प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। संघर्ष की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गुरुओं के गुरु महानायक जॉनी सिंस की। जॉनी सिंस का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। तंगी का हाल तो ये था कि उन्हें 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था, पर जॉनी के माँ बाप उन्हें बहुत बड़ा और फेमस आदमी देखना चाहते थे और उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए जॉनी काम में जुट गए। उनकी इसी मेहनत को देखकर उनके माँ बाप ने एक एक पाई जमा करके उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा, पर हमारे भाई का दिमाग पढ़ने में लगता ही नहीं था। उनका तो मन कुछ और ही करने का था, उन्हें तो ज़िंदगी से कुछ और ही चाहिए था। एक बार की बात है जब जॉनी के स्कूल में एक मेडिकल चेकअप हुआ जो उनकी ज़िंदगी में एक मुसीबतों का पहाड़ ले आया। जॉनी भैया बचपन से ही गंजे पैदा हुए थे जिसकी वजह से उनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थी। जब उनके मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि उनकी क्लास की सभी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। इसे सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि प्रिंसिपल का रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकला, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और अब उनकी फैमिली में और भी परेशानी आने लगी और वो घर से भाग गए। अब जॉनी भाई ने काम ढूंढना शुरू कर दिया और एक जगह प्लम्बर की नौकरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद जब वो बोर हो गए फिर उनको उनके एक दोस्त ने फायर फाइटर की जॉब दिलवा दी। वो खूब मेहनत और लगन से लोगों की मदद करने लगे और उन्होंने खूब लोगों को बचाया। उनकी इसी लगन और मेहनत को देखकर उन्हें पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल गई। उन्होंने उसमें भी खूब मन लगाकर काम किया और फिर एक दिन गंभीर चोट लगने की वजह से उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। चोट इतनी गहरी थी कि अब जॉनी को कुछ महीनों तक बिस्तर पर ही आराम करना था और अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर भी आ चुके थे। बिस्तर पर पड़े पड़े उनको एक बात समझ आई और उन्होंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उनकी उसी मेहनत की वजह से उनकी किस्मत बदल गई। जिस स्कूल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था अब वो उस स्कूल में टीचर की पोस्ट पर एज अ टीचर लग गए थे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वह उसी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर आ गए। पर जॉनी भाई कहाँ रुकने वाले थे, जॉनी की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रिंसिपल की जॉब के साथ साथ उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई भी शुरू कर दी और एक दिन वो एस्ट्रोनॉट भी बन गए। अब जॉनी की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और पता ये चला कि उन्हें कैंसर है। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी की रेस में रोज़ रोज़ हार रहे थे, पर वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहे और 2 ही महीने के अंदर उन्होंने कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी को हरा दिया और उसी हॉस्पिटल में अब वो डॉक्टर बन गए थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने तो डॉक्टर की पढ़ाई की ही नहीं तो फिर आप डॉक्टर कैसे बने, तो इसके जवाब में उन्होंने चुपचाप रहे और कुछ नहीं बोले। पर लोग ये बात नहीं जानते थे कि जॉनी के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसे यूज़ करके उन्होंने अपने 2 महीने के कैंसर ट्रीटमेंट में ही सब कुछ सीख लिया था। टकला होने की वजह से उन्हें कोई लड़की घास नहीं डालती थी, पर जॉनी भैया कहते थे कि हम कोई भेड़ बकरी कोई हैं जो घास खाएंगे। कुछ तो बात थी जॉनी भैया में जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। अब उन्होंने अपना एक जिम खोला और वहाँ जिम इंस्ट्रक्टर बन गए। देखते ही देखते वो बहुत फेमस हो गए, सारी लड़कियाँ उनके पास आने लगी। वो पहले अपने एरिए में, फिर अपनी सिटी में, फिर अपनी कंट्री में और आज पूरी दुनिया में फेमस हो गए। जॉनी भैया एक जीती जागती मिसाल हैं कि अगर इंसान के मन में दृढ़ निश्चय हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, आपने सुने हमारी जॉनी भैया की कहानी एक अलग अंदाज में। लेकिन मैं आपको ये सब बता दूं कि भाई ये सब जो था ना, ये बिल्कुल एक घोर मजाक है। मजाक, इसे बिल्कुल भी दिल पे ना लें, क्योंकि हो सकता है बहुतों ने इसे बिल्कुल सच समझ लिया हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही जॉनी भाई हैं जिनके चक्कर में एक ज़माने में 20-20 GB नेट खर्च होता था। तो आगे तो आप समझ ही जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसी बढ़िया वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।